वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमृता प्रीतम की एक बहुत ही फेमस पोयम आई से ऑन टू वारिस सा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पोयम का क्रिटिकल एप्रिशिएशन या फिर आप लोग समरी भी कह सकते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द आंसर आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस पोयम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोयम है वो अमृता प्रीतम का एक फेमस पोयम है, प्लस ये एक एलिजी है। एलिजी मींस क्या होता है, एक सैड पोयम या फिर लैमेंटेशन पोयम। जब हम लोग किसी के प्रति जो है वो शोक मनाते हैं या फिर दुखी महसूस करते हैं किसी चीज़ को लेकर के पर्टिकुलर, तो उसी को बोलते हैं एलिजी। तो ये एक सैड पोयम है और ये जो पोयम है वो पार्टीशन के ऊपर ही बेस करके लिखी गई है पोयम। मतलब कि जब हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ था, दो भागों में बटा था, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के माइंड पे, लोगों के हार्ट पे, उसी को जो है इसमें उन्होंने दिखाया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम आई से ऑन टू वारिस शाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो पोएटिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद जो है स्टार्ट करूँगी। तो ये जो अमृता प्रीतम है वो 20th सेंचुरी की एक मोस्ट फेमस पंजाबी पोएटिस है और ये पोएट के साथ साथ नोवेलिस्ट भी रह चुकी हैं, एसिस्ट भी रह चुकी हैं और ये एक बहुत ही फेमस और प्रोमिनेंट फिगर है 20th सेंचुरी की। जो अमृता प्रीतम है उनको इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा इक्वली इनको जो है वो लव और रिस्पेक्ट दिया जाता है और इनको जो है वो साहित्य एकेडमिक अवार्ड 1956 में मिला है और जो पद्मश्री अवार्ड है वो 1982 में मिला है। अब ये जो पोयम है आई से वॉन्ट टू वारिस सा, ये एक फेमस एलिजी है जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और ये जो पोयम है ओरिजिनली जो इसका लैंग्वेज है वो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब इसको ओरिजिनली ये पंजाबी लैंग्वेज में लिखा है और जिसका टाइटल क्या था, आज एक खुन वारिस सा नन, मतलब ये इसका ओरिजिनली पंजाबी टाइटल है। बट लेटर बाद में इसको चेंज कर दिया गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया और इसका टाइटल रखा गया आई से ऑन टू वारिस सा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो पोयम है वो पार्टीशन के हॉरर को दिखाती है या फिर जो पार्टीशन हुई थी उसी के ऊपर बेस करके ये जो है पोयम को लिखी गई है। तो और ये जो पोयम पब्लिश कब हुई है, तो 1949 में, यानी कि इसको लिखा गया है 1947 में और पब्लिश हुई है 1949 में और ये टोटली डिपेंड ऑन द हॉरर ऑफ द पार्टीशन ऑफ द पंजाब। जो पंजाब का पार्टीशन हुआ था 1947 के दौरान, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उसी हॉरर को जो है ये पोयम में डिस्क्राइब किया गया है। तो इन द बिगनिंग ऑफ द पोयम, पोयम की शुरुआत में जो पोएटेस है या फिर जो अमृता प्रीतम है वो किसको एड्रेस करती है, तो वो एक हिस्टोरिक पंजाबी पोएट, मतलब दूसरे जो एक पोएट है जिनका नाम वारिस शाह है, उनको वो एड्रेस करके ये पोयम की शुरुआत करती है। और ये वारिस शाह कौन है, तो ये वारिस शाह जो हैं वो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं और ये पंजाब के बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं या फिर राइटर रह चुके हैं, जिन्होंने एक लव ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था हीर और रांझा, इसी के लिए ये काफ़ी फेमस हुए थे। तो जो अमृता प्रीतम है इन्हीं पोएट को याद करती है, जो कि अब नहीं रहे, ये मर चुके हैं, तो उनकी जो है उनको याद करके इस पोएम की शुरुआत करती है, जहाँ पर जो अमृता प्रीतम है वो इनके स्पिरिट को, जो उनकी आत्मा है, उनको जगाती हुई कहती है कि आपको अब आना ही होगा इस, मतलब मानवता की रक्षा के लिए। जैसा कि मानवता की रक्षा किस तरह से यहाँ पे क्यों कहती है वो, क्योंकि ये पार्टीशन का टाइम था तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी नाम की, ब्रदरहुड लव नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। तो इसी को देख करके जो अमृता प्रीतम है वो वारिस शाह को याद करती है, उनके स्पिरिट को, और कहती है कि उनको आना ही होगा इस मानव जाति की रक्षा के लिए, इन मैनकाइंड की रक्षा के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन में आकर फंस चुके हैं। वो क्यों जो है वो वारिस शाह को ही याद करती है, क्योंकि वारिस शाह ही एक ऐसे पर्सन थे इनसे पहले जिन्होंने पूरे देश के ऊपर जो है वो, मतलब पंजाब जो उनका कंट्री है उसके ऊपर जो है, सॉरी पंजाब एक स्टेट है, तो मतलब वही जो है पंजाब में चारों तरफ उन्होंने लव को, ब्रदरहुड को जो फैलाया था, तो वही वो चाहती है कि फिर से वो पूरे देश में उसे फैला सके। इसीलिए वो वारिस शाह के स्पिरिट को याद करती है और उन्हें वहाँ पे बुलाती है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा था लव स्टोरी हीर और रांझा की, वो इतना फेमस हुई थी और सभी लोगों ने उसे पसंद किया था और उसे पढ़ करके लाखों लाखों लोगों के दिलों में जो है वो, मतलब ब्रदरहुड लव की भावना आ गई थी। तो इसीलिए वो वारिस शाह को ही याद करती है कि वो
फिर से आए और फिर से जो उन्होंने अपना प्रेम ब्रदरहुड की भावना को फैलाया था अपने वर्क के द्वारा, वो फिर से आकर के उन्हें फैला सके, क्योंकि आज जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है और बिल्कुल जो है वो बताया नहीं जा सकता, इतना जो है वो कंडीशन मिजरेबल हो गया है। नेक्स्ट जो अमृता प्रीतम है वो कहती हैं कि जो भारत का कंडीशन है वो देख रही हैं, जो पार्टीशन के टाइम का जो कंडीशन था वो अपनी आँखों से देख रही हैं और वो खुद उसकी विटनेस हैं। तो वो कहती हैं कि अब तो वारिस शाह को आना ही होगा, चाहे वो अपने ग्रेव से ही क्यों ना उठ करके आए, मतलब जहाँ पे उनकी कब्र है, लेकिन उनको आना ही होगा और आ करके अपने बुक ऑफ लव में एक नया पेज जो है नया पेज को ऐड करना होगा। इस स्टोरी में जो हीर रांझा उन्होंने स्टोरी लिखी थी जो काफ़ी फेमस थी, उसमें जो वारिस शाह हैं वो एक वुमेन जिसका नाम हीर रहता है उसके दुख तकलीफ़ को इतना अच्छे से वो नैरेट करते हैं, जिसे पढ़ करके मिलियंस ऑफ डॉटर जो है पंजाब की वो रोती हैं और इसके बारे में जान करके वो रोती हैं। तो यहाँ पे अमृता प्रीतम कहती है कि अगर सिर्फ हीर के जो मिजरी है उसको पढ़ करके इतने लोग जो है वो दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, तो अगर आप जो है अभी का समय में तो इतनी सारी इंडिया की और पंजाब की जो बेटियां हैं वो रो रही है, तो अब तो आपको आना ही होगा और आ करके यहाँ पे लव और ब्रदरहुड को फैलाना ही होगा और जो कंडीशन चल रही है जो वॉयलेंस फैला हुआ है उसको कम करना ही होगा। सो वारिस शाह को वो बुलाती हैं, उन्हें इवोक करती हैं और कहती हैं कि वो हम लोग से इस तरह जो है वो मुंह आज के समय में नहीं मोड़ सकते हैं क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। मतलब यहाँ पे जो पार्टीशन के बाद का समय था जो कि काफ़ी क्रिटिकल था उसको वो डिस्क्राइब करती हैं और फिर से उसे नॉर्मल करने के लिए वो वारिस शाह को जो है वो बुलाना चाहती है। नेक्स्ट अब वो पोएम के बारे में बताती हैं, वो आगे कहती है कि जो कंडीशन है चारों तरफ का वो काफ़ी दुखद सीन हो चुका है, काफ़ी चारों तरफ जो है वॉयलेंस फैला हुआ है, हर एक मैदान में चाहे वो फार्म हो चाहे वो बार्न हो चारों तरफ जो है वो डेड बॉडीज फैले हुए हैं, खून की नदियां बह रही है, जो चिनाव रिवर है वो पूरे खून की धारा से भर चुकी है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फाइव रिवर, मतलब पंजाब तो फाइव रिवर के लिए फेमस है, तो वहाँ पे लग रहा है किसी ने उस रिवर में पॉइजन मिला दिया हो और वही पॉइजन चारों तरफ देशों में फैल करके सबको जो है वो मारे जा रहा है, और जो लैंड है ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फर्टिलिटी को बिल्कुल खो दिया है और उससे कीड़े निकल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, स्काई भी काफ़ी रेड पड़ गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आकाश है वो बिल्कुल चिल्ला रही है, जोर जोर से शोर शराबा कर रही है रो रो करके। इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है, ये बताया गया है कंडीशन का, पार्टीशन के दौरान जो हालत था कंट्री का उसको बताया गया कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक दूसरे को मार काट रहे थे, एक दूसरे में ब्रदरहुड की भावना ही नहीं बच गई थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही थी, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे दिखाया, यानी कि ब्रूटैलिटी ऑफ पार्टीशन को दिखाया, किस तरह से जो पार्टीशन है वो ब्रूटैलिटी में चेंज हो गया था। सो एट द एंड यहाँ पे जो लेखिका है या फिर जो पोएटेस है अमृता प्रीतम वो कहती हैं कि जो लव था दो लोगों के बीच में, जो ब्रदरहुड की भावना थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लोग सिर्फ एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, जो पंजाब है वो बिल्कुल एक सांप की तरह बन गई है जिस जहाँ पे चारों ओर वॉयलेंस ही वॉयलेंस फैला हुआ है, लोग जो है प्रेम की भावना को भूल चुके हैं, ब्रदरहुड की भावना को भूल चुके हैं। इसीलिए जो है वो वारिस शाह को एड्रेस करती है और कहती हैं कि वारिस शाह को फिर से आना होगा ताकि वो फिर से पूरे पंजाब में जो है या फिर पूरे देश में जो है वो लव को और ब्रदरहुड की भावना को फैला सके ताकि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तो ये जो वारिस शाह पोयम है आई सॉन्ग टू वारिस शाह, ये जो है वो फाइव स्टेंजा से मिलकर के बना हुआ है, ये ट्रांसलेटेड वर्सन है जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है, प्लस इसमें जो है वो तरह तरह के जो है लिरिकल फ्लो है पोयम के एंड में, और ये जो लाइन है वो आयम्बिक और ट्रोकेमीटर में लिखा गया है, और जो पोयम है उसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है तो बुक ऑफ लव जो कि एक मेटाफोर है, और ये जो बुक ऑफ लव है वो हीर और रांझा बुक को इंडिकेट किया गया है जो वारिस शाह का एक फेमस बुक का नाम है। सो इस तरह से जो पोएटे से उन्होंने मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच, इसके अलावा हाइपर वाले फिगर ऑफ स्पीच, इन सारे जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, एज वेल एज उन्होंने रेटोरिक क्वेश्चन का भी यूज़ किया है, तो ये सारा जो है उनके फिगर ऑफ स्पीच का नाम है। तो उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा इस पोयम को जो है एक इमोशनल पोयम में कन्वर्ट किया है। एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो अमृता प्रीतम है वो सैड थिंग्स को जो है वो इसमें डिस्कस करती हैं
और जो उन्होंने अपने अच्छे दिन अपनी मातृभूमि में बिताया था उसको वो याद करती हैं इस पोयम में, और अब जो वो अपरूटेड हो चुकी हैं अपने होमलैंड से, तो उसके लॉस को वो दिखाती है किस तरह से मेंटली वो बिल्कुल जो है वो अनवेल है, मतलब वो भी जो है पार्टीशन के दौरान अपने होमलैंड से अलग हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस पोएट्री को लिखा है कि कितना दुख तकलीफ होता है जब आप जहाँ जन्म लेते हैं और वहाँ से आपको दूर होना पड़ता है। तो अमृता प्रीतम कहती है कि ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी पार्टीशन के दौरान, और जो लव और कंपैशन का मैसेज था वो भी पंजाब से बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है, और अब पोएट्रेस को ये आशा है कि जो पंजाब के लोग हैं वो उनके लैमेंटेशन को, उनके सैडनेस को इस पोयम के द्वारा समझेंगे, और समझ करके जो उनका नॉनसेंशियल ब्लड शेड वॉर है उसको वो लोग रोक देंगे। So at the end we can say that Aishe onto Warissa is a heart-rending poem where the poetess laments the loss of her nation, her heritage and her Punjab. So I hope आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। So please subscribe my channel for next video and please like and share my video.